नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेगुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेगुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, किस तरीके से है। तो आज का हमारा टॉपिक है दुबई जाने के टाइम इंडियन एयरपोर्ट से दुबई एयरपोर्ट तक क्या प्रोसेस होती है। काफ़ी बंदे अंदर से डरे हुए होते हैं कि क्या होता है, ये होता है, वो होता है। काफ़ी लोग उन्हें डराते भी है। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा था तो काफ़ी लोगों ने मुझे भी डराया था, मगर कुछ डरने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इजी प्रोसेस होती है, एकदम आराम से सारा हो जाता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी प्रोसेस डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप दुबई के लिए सफ़र कर रहे हो तो आपके लिए आपके पास तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो तीन चीज़ें क्या होती है? तो वो तीन चीज़ें होती है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है, आपके पास वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, और आपके पास दोनों टिकट्स, रिटर्न टिकट एंड यहाँ पे आने का टिकट होना ज़रूरी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास वन वे टिकट हो तो भी चल जाता है, मगर आप अगर टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास दोनों टिकट होने ज़रूरी है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के लिए अगर मतलब जाने टाइम आपने जैसे आपका जो भी प्लेन का टाइम है उसके तीन घंटे पहले आपको वहाँ पे एयरपोर्ट जाने की ज़रूरत है दोस्तों। तीन घंटे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स का एक रूल होता है कि आपको ट्रैवल करने से पहले तीन घंटे पहले जाना ज़रूरी है। अब ये क्यों होता है? तो कभी कभी जो है आपकी फ़्लाइट रीशेड्यूल हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए वो लोग तीन घंटे पहले, उसमें सारी चेकिंग विकिंग सारे हो जाता है। कभी कभी कुछ बंदे अपना पासपोर्ट भूल जाते हैं, कुछ बंदे वीज़ा भूल जाते हैं, ये वो, तो उस टाइम में वो लोग सारा कवर कर लेते हैं। तो इसलिए ये लोग, मैंने एक्चुअली इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था इमिग्रेशन प्रोसेस का कि इमिग्रेशन में क्या होता है। तो वो अगर वीडियो आपको देखना है तो गूगल में जाइए, वहाँ पे लिखिए टेक गुरु दुबई इमिग्रेशन प्रोसेस, तो आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। उस वीडियो के नीचे काफ़ी लोगों ने मुझे ये कमेंट की थी कि सर तीन घंटे जाने के की ज़रूरत कुछ नहीं है, हम लोग एक घंटा पहले गए थे, ये गए थे, वो गए थे। तो एज़ पर रूल अगर आपको इंटरनेशनल फ्लाइट में जाना है तो तीन घंटे पहले ही जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप दोस्तों तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे वहाँ के जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे आपका वीज़ा टिकट चेक किया जाता है और उसके बाद ही आपको अंदर छोड़ा जाता है। अंदर छोड़ने से पहले अगर आपके पास आपके साथ कोई रिलेटिव्स आए हैं तो उनको अंदर अलाउड नहीं होता है, बस आपको ही अंदर जाना होता है, ठीक है। तो उस टाइम जब आप अंदर जाते हो दोस्तों तो आपके पास आपका लगेज और हैंडबैग होती है। तो लगेज हैंडबैग कितनी होनी चाहिए इस पर भी मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है, पर अभी इस फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ, जो हैंडबैग होती है वो 7 kg होनी ज़रूरी है, उससे ऊपर नहीं। और जो लगेज होता है आपका तो एज़ पर स्टैंडर्ड 30 kg अलाउड होता है, 30 kg आपका लगेज होना ज़रूरी है। अगर उसके ऊपर है तो आप वो पहले से ही काउंट करके रखिए, ऐसा ना हो कि अगर आप एयरपोर्ट पे गए और वहाँ पे वो ज़्यादा निकला तो एक तो वो आपको निकाल कर रखना पड़ता है या उसके जो है एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने ज़रूरी है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होते हैं, तो वो भी मैं बताना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा चार्जेस तकरीबन 1000 रुपये पर kg के ऊपर ही होते हैं। जैसे कि 1100 dirham कुछ साल पहले थे जो मुझे पता है, अभी जो फ़िलहाल के जो अपडेटेड चार्जेस है वो मुझे नहीं पता है, मगर वो 1000 के ऊपर ही होते हैं। जैसे कि आपका 2-3 kg एक्स्ट्रा हो गया तो वो लोग आपको सलाह देते कि ये निकाल के रखो या वो उसके जो भी है चार्जेस आप पे करो। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आप हैंडबैग में रख सकते हो तो आप अपने हैंडबैग में रख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप अंदर जाते हो दोस्तों तो अंदर जाते ही जो आपका लगेज होता है उसका सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है। सिक्योरिटी चेक मतलब एक मशीन होती है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, बस आपकी जो लगेज होता है
और आपका हैंडबैग जो होता है वो आपको वहाँ पे रखने की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो लोग एक्सरे स्कैन जो भी उनके स्कैनिंग होती है सिक्योरिटी पर्पज़ की, तो वो लोग वो करते हैं और आपके बैग पे एक टैग लगाते हैं कि मतलब ये सिक्योरिटी चेक हो गया है इस तरीके से। कुछ एयरपोर्ट पे टैग नहीं लगाते हैं, कुछ एयरपोर्ट पे टैग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये टैग इसलिए होता है, वो भी बताता हूँ, कि ये सिक्योरिटी चेक हो गया है और ये किस अभी कोई खोल ना सके, इसलिए ये सिक्योरिटी चेक टैग जो है लगाया जाता है। तो उसके बाद जो है दोस्तों, आपको ढूंढना होता है बोर्डिंग काउंटर, ठीक है। हर एयरलाइंस का एक बोर्डिंग काउंटर होता है दोस्तों। जैसे ही आपने आपका टिकट देखना है, तो आपकी फ़्लाइट अगर जेट एयरवेज की है तो आपने जेट एयरवेज के काउंटर पे जाना ज़रूरी है। आपकी फ़्लाइट अगर स्पाइस जेट की है तो स्पाइस जेट, जो भी आपकी फ़्लाइट है, जो भी आपके एयरलाइंस है, तो वहाँ के काउंटर पे आपको जाने की ज़रूरत है। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आप जैसे हज़ारों लोग अंदर पहले से ही होते हैं कन्फ्यूज, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ट्रैवल किया था तो थोड़ा सा घबरा गया था, मगर कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आराम से हिंदी बात करो, जिसको चाहे आप पूछ सकते हो कि भाई मैं अंदर आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए या मैं कहाँ पे जाऊँ, तो आपको वो गाइड कर देते कि आप इस काउंटर पे जाए, इस तरफ जाए, इस तरीके से, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप बोर्डिंग काउंटर पे जाते हो दोस्तों, तो बोर्डिंग काउंटर के पे जाने के बाद वहाँ पे आपने आपका टिकट, वीज़ा और पासपोर्ट दिखाना ज़रूरी होता है। तो वो लोग मतलब उनका कोई जो भी कंप्यूटर पे काम होता है वो कर लेते हैं और आपका एक बोर्डिंग पास इश्यू हो जाता है दोस्तों। तो उससे पहले वो लोग आपको बोलते हैं कि जो आपका लगेज का बैग है वो उस वहाँ पे मतलब एक वेट करने की मशीन होती है उनको, जो स्क्रॉल होती है, ठीक है, उस पर आपको वो रखने के लिए बोलते हैं। तो आपने जो भी आपका मेन लगेज है वो वहाँ पे रखना है, जो हैंड बैग है वो अपने साथ ही रखनी है। तो जैसे ही आप वहाँ पे लगेज रखोगे, उसका वज़न जो है वहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो एज़ पर स्टैंडर्ड्स 30 kg अलाउड होता है, तो वो लोग देखते हैं कि 30 kg या उसके कम है या उससे ज़्यादा है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो बोर्डिंग काउंटर पे आपको बोल देंगे कि इससे वज़न निकालो सर, या उसके जो भी है चार्जेस पे करो। तो आपका अगर 30 kg ही वज़न है या उससे कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो है लगेज अंदर चला जाता है फ्लाइट में, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक बस बोर्डिंग पास दिया जाता है जो अपने आपने अपने पास रखना है, ठीक है। तो वहाँ का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अभी आपको जाना होता है गेट पे। जो बोर्डिंग पास आपको दिया जाता है उस पर वो लिखते हैं कि आप इस गेट पर जाए, जैसे कि 20 नंबर गेट, 40 नंबर गेट, 10 नंबर गेट, जो भी फलाना जो भी है, तो वो आपको बता देते हैं कि आप इस गेट पर जाए। अभी जैसे ही आप गेट पर गेट की तरफ जाने के लिए जाते हो, तो उसके बीच में और एक सिक्योरिटी होती है जिसको कहा जाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का ही भी एक काउंटर ही होता है दोस्तों। तो वहाँ पे भी आपने, जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे भी आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट और जो भी आपके पास है वो दिखाना होता है। तो वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, तो वो देख लेंगे, वो सिस्टम में चेक करते हैं कि ये वीज़ा है या टिकट वैलिड है, जो भी है वो सारा चेक करते हैं। शायद वो आपको पूछ भी सकते हैं कहाँ पे जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो या क्या करते हो आप, इस तरीके के जो नॉर्मल सवाल होते हैं वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो पहले से ही बना के रखा है कि वो लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या बोलना है, किस तरीके से आपको जवाब देने हैं, इस पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, जो अगर आपको देखना है तो आपने गूगल में टाइप करना है टेक गुरु दुबई इमिग्रेशन प्रोसेस, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, तो वो अधिकारी आपकी एग्जिट करता है, मतलब आप जो है दुबई के लिए फ्लाई कर रहे हो, उसका एक स्टैंप वो आपके पासपोर्ट पर लगा देता है दोस्तों। तो वो जो भी स्टैंप है वो लगने के बाद दोस्तों आपको जाना होता है आपकी गेट की तरफ। तो गेट की तरफ जाने टाइम इमिग्रेशन के बाद में, ये प्रोसेस होने के बाद में, वहाँ पे और एक सिक्योरिटी काउंटर होता है जहाँ पे आपकी आपको अपनी बैग जो है वहाँ पे रखनी होती है। उस मशीन में, एक्सरे मशीन में, वो लोग और एक बार चेक करते हैं, फिर जो भी आपका बेल्ट है, मोबाइल है, पर्स है, वो एक पॉकेट में निकाल, मतलब एक उनके पास एक ट्रे होता है प्लास्टिक का, उसमें रखने के लिए बोलते हैं। कोई जो भी आपके बदन पे, बॉडी पे जो भी मेटल्स है वो आपको निकाल के वहाँ पे रखने होते हैं। तो वो रखने के बाद जो है आपका सिक्योरिटी चेक होता है, वो लोग चेक करते हैं कि आपके पास कुछ है या नहीं है। अगर हैंडबैग में लैपटॉप है दोस्तों, तो वो भी आपको निकाल के, बाहर निकाल के रखने के लिए बोलते हैं। और वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको जाके बस बैठ के टाइम पास करना है दोस्तों गेट पे,
ठीक है। और आप जब गेट पे जाके बैठते हो, तो जब जैसे ही 1 घंटे पहले, आधा घंटे के पहले जो है अनाउंसमेंट होती है, तो वहाँ पे फिर काउंटर शुरू हो जाता है आपको प्लेन में ले जाने के लिए। कुछ छोटे एयरपोर्ट होते हैं तो वहाँ पे ही डायरेक्टली प्लेन खड़ा होता है, कुछ अगर बड़े एयरपोर्ट है तो वहाँ पे आपको बस में बिठाया जाता है वो प्रोसेस होने के बाद, और वो प्लेन में ले जाते हैं। तो वहाँ पे भी बस आपने अभी बस आपका जो भी बोर्डिंग पास है वो दिखाने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप प्लेन की तरफ जाते हो, प्लेन प्लेन में एंटर होते हो, तो प्लेन में भी एक हवाई सुंदरी, एयर होस्टेस जिसे कहा जाता है, वो भी वहाँ पे स्माइल देते हुए खड़ी होती है, दो तीन होती है, तो वो बहुत अच्छी स्माइल देकर आपको कहती है सर वेलकम सर। आपने भी उनको वेलकम करना है, ग्रीटिंग्स करनी है। वो आपका बोर्डिंग पास देखेंगे और आपको बोल देंगे कि आपका सीट इस तरफ है, इस तरफ है। आपने जाके अपने सीट पर बैठना है। सीट पर बैठने के बाद प्लेन कुछ देर में स्टार्ट होगा दोस्तों। जो बंदे फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा अजीब लगता है, प्लेन उड़ने टाइम, लैंड होने टाइम और टेक ऑफ होने टाइम ही थोड़ा सा टेंशन होता है, बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है दोस्तों, तो कुछ देर के लिए प्लेन हवा में इस तरीके से होता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऊपर जाता है, तो आपका सीट भी इस तरीके से ऊपर होता है। तो कुछ लोगों को घबराहट होती है, मगर कोई डरने वाली बात नहीं है, नॉर्मल होता है, जैसे हम लोग बचपन में झूले में बैठते हैं उस तरीके से आपको फील होगा, ठीक है। तो कुछ देर के बाद प्लेन ऐसे हो के वो जो भी उनकी हाइट होती है उस हाइट पे जाने के बाद वो लोग आपको बोल देते हैं कि अभी जो है आप अपना सीट बेल्ट अगर आपको खोलना है तो खोल सकते हैं, अपने मोबाइल अगर आपको स्टार्ट करने तो कर सकते हैं। तो वो 3 घंटे का सफ़र फिर आपका शुरू हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली मुंबई से अगर आप यहाँ पे आते हो, दिल्ली से अगर आप यहाँ पे आते हो, तो आपका सफ़र होता है 3 घंटे का या 3.5 घंटे का। तो उस जैसे ही कुछ टाइम गुजरता है तो वो लोग आपको, एक बंदा आपको पूछेगा सर आप ड्रिंक में क्या लोगे। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मुझे ये दे दो, वाइन दे दो, वोडका दे दो, जो चाहिए आप उनको मांग सकते हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। कुछ एयरलाइंस में ये सुविधा देते ही नहीं है, अभी उनके नाम में यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ, मगर कुछ एयरलाइंस ऐसी है जो आपको बस पानी का इतना ही ग्लास देती है, जिनमें मील्स जो खाना होता है वो अलाउ, मतलब वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। मगर नॉर्मली अगर देखा जाए जेट एयरवेज, एयर इंडिया में ये फैसिलिटी होती है। तो जैसे ही आप ड्रिंक करते हो तो उसके बाद ये बंदा फिर आके आपको पूछेगा कि आप सर वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, मतलब क्या खाना चाहते हो आप। तो जैसे ही आप बोलते हो नॉन वेजिटेरियन हो, तो वो आपको जो भी उनकी डिश अवेलेबल है वो ला के देता है, आप उन्हें खाना खाना है और बस सो जाना है। वहाँ पे आगे कुछ मैगजीन्स पड़ी होती है, अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप वो पढ़ सकते हो। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। जैसे ही दुबई आता है वहाँ से, आपको वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके अभी बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ही दुबई आता है दोस्तों, तो वहाँ से आपको बताया जाता है कि दुबई आ गया है या आप दुबई में पहुँच गए हो। फिर वहाँ से आपको जो है प्लेन से निकाल के एक बस में बिठाएंगे, बस वो लेके जाएगी एयरपोर्ट तक आपको, और फिर आपको जो है आपका इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी स्टेप ये होगी, आपने कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ जो 100 बंदे होते हैं बस उनको फॉलो कीजिए, आपने अकेले बस सब लोग अगर इधर जा रहे हैं तो आपने इधर नहीं जाना है, आपने उन लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। सब लोग जिधर जा रहे हैं बस उस तरफ जाओ। एक इमिग्रेशन का काउंटर होता है दुबई में। अब 2 टाइप की इमिग्रेशन है दोस्तों, अगर आप पहले ही आ चुके हो यहाँ पे तो बस अपना पासपोर्ट जो है वहाँ पे रखिए और निकल जाइए, आपको कोई स्टैंप नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको मैनुअल इमिग्रेशन काउंटर पे जाना होता है, जहाँ पे एक अधिकारी बैठा होता है, सिक्योरिटी मतलब आदमी बैठा होता है, तो वो आपको कुछ नहीं कहता है, वो बस आपका पासपोर्ट वीज़ा सारा देखता है, आपको कहता है इस तरफ देखो, तो जिस तरफ उसने देखने को बोला है आपने उस तरफ देखना, वहाँ पे एक कैमरा होता है, वो आपका एक फ़ोटो लेता है और बस आपकी इमिग्रेशन हो गई, एंट्री का एक स्टैम्प आपके पासपोर्ट पर लग जाता है। तो उसी टाइम से जो है आपका वीज़ा स्टार्ट होता है दोस्तों। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर विजिटिंग वीज़ा जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही हमें मिलता है तब स्टार्ट होता है, या जब
हम लोग दुबई में एंटर करने का, तो जब ये स्टैंप लगता है, जब इमिग्रेशन दुबई का होता है, तब से आपका वीज़ा स्टार्ट होता है दोस्तों। तो वहाँ से जैसे ही आपका इमिग्रेशन होता है, आपने आगे जाकर अपना लगेज ढूंढना है। तो वहाँ पे साइंस को आप बस फॉलो कीजिए, ऊपर लिखा होता है कि आपके लगेज इधर मिलेंगे इधर मिलेंगे, जाइए वहाँ से आपका जो भी हैंड, आपने जो 30 kg का लगेज वहाँ पर दिया था इंडिया में, तो वो आपको लगेज वहाँ पर मिल जाएगा। वो लगेज लेना है, ट्रॉली पर रखना है, और आपका हैंडबैग उस ट्रॉली पर रखो और वहाँ से निकलो। वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे और एक सिक्योरिटी चेक होगा, तो वहाँ पे बस आपको यहाँ का जो दुबई का या अबू धाबी का सिक्योरिटी चेक है या जो भी इमिग्रेशन काउंटर है, वो बहुत इजी है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, रश नहीं होती है, बहुत फास्ट काम होता है। तो जैसे ही आप वहाँ से निकलोगे, सिक्योरिटी चेक और एक बार होगा, तो एक मिनट का भी नहीं होता है, वो बस बैग रखते हैं, उनकी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है दोस्तों, एक मिनट में पकड़ लेते हैं आपके पास क्या है क्या नहीं है। जैसे ही सिक्योरिटी काउंटर आप पास करते हो, आप दुबई सिटी में आ गए। तो इस तरीके से होता है सारा सफ़र जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, फ्यूचर में जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, वो आज न कल तो दुबई आएगा, उसको इस वीडियो की बहुत हेल्प होगी। आपके लिए टाइम निकाल के दोस्तों मैं जो है वीडियो बनाता हूँ, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से किसी कोई बंदा अगर परेशान हो रहा है, बहुत टेंशन में है, तो उसकी परेशानी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ज़रूर बने रहिए अपने चैनल के साथ दोस्तों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो, तो मेरे पिछले वाले वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत बहुत अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाए दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं इस तरीके के नए वीडियो के साथ, बाय बाय।